दो। काशी स्काइप करते हुए हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर आप देख सकते हो। हम लोग पार करते हुए गंगा मैया को देखिए, साक्षात आप सभी दर्शन कर ले। और हम लोग पार कर चुके हैं गंगा मैया के, और आप लोगों को हमने अभी व्यू दिखाया। बताइएगा ये मतलब सेक्शन कैसा था, गंगा मैया का नज़ारा और काशी विश्वनाथ मंदिर था उसके जो फरक्का एक्सप्रेस वाराणसी जंक्शन वंदे भारत। फ्रेंड्स नमस्कार प्रणाम, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे स्वस्थ होंगे माता मंदिर के पास। आज फिर से एक रेल यात्रा शुरू हो रही है कोटा से पटना जंक्शन तक, कोटा पटना एक्सप्रेस के थ्रू। ट्रेन का खुलने का जो समय है यहाँ से 6:10 पे है, और ये थोड़ी देर में भी रवाना होगी। टाइम वो चला है इसका खुलने का, तो वीडियो में ऐसे ही बने रहे। और आज की जो जर्नी हमारी स्लीपर क्लास में होने वाली है, चलिए यहाँ से आपको हमारी स्लीपर क्लास कैसे पूरी होती है पटना तक, वीडियो में बने रहे पूरा देखिए। हमारी ट्रेन जो है कोटा पटना निकलती हुई कोटा जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4, और ये प्लेग्राउंड जस्ट रेलवे स्टेशन के बगल में बच्चे जो है अभ्यास करते हुए। और हम इस रूट को छोड़ते हुए, ये पता नहीं कौन सा रूट है मुझे पता नहीं है, बट मैं दिखा पा रहा हूँ आपको। ट्रेन अपनी दूसरी गंतव्य यानी कि सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गई है। कोटा जंक्शन से मिलने के बाद जो है हमारी ट्रेन इन कर गई है 107 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके। ट्रेन है रात के 10:52 में मथुरा जंक्शन इन कर चुकी है, और यहाँ पे हमारी गाड़ी का जो इंजन चेंज होगा, कोटा पटना एक्सप्रेस का जो इंजन चेंज होगा, और ये ट्रेन यहाँ पे आधे घंटे रुकने वाली है। और हमारी ट्रेन जो है कोटा पटना एक्सप्रेस 725 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके लखनऊ 4 बार पहुँच चुकी है, यानी कि हम उत्तर प्रदेश आ चुके हैं, और सुबह के जो है 7:30 बज रहे हैं। ट्रेन जो है डिपार्चर होती हुई लखनऊ से, बात करूँ तो कोटा जंक्शन से खुलने के बाद ये पटना जंक्शन पूरे 1 दिन 1 घंटे का समय लेती है पहुँचाने में, और अभी तो फिलहाल बिफोर ट्रेन और रुकते हुए जा रही है ट्रेन। देखते हैं कब तक और कितना लेट करती है, पहले पहुँचाती है पटना जंक्शन में, तब तक हमारे वीडियो। सामने बालूरघाट भटिंडा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पास होती हुई जाफराबाद जंक्शन से।
फरक्का एक्सप्रेस। वाराणसी जंक्शन हमारी ट्रेन जो है 40 मिनट की देरी से पहुंच चुकी है। काशी विश्वनाथ नगरी वाराणसी जंक्शन पहुंच चुकी है और हम छोटू के साथ मस्ती करते करते अपनी यात्रा को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है। गाड़ी खुल भी चुकी है, बने रहे दिखाते हैं। डिपार्चर हो चुकी है हमारी ट्रेन जो है कोटा पटना एक्सप्रेस वाराणसी बनारस से 45 मिनट की देरी से। ये दैनिक जागरण मान गए क्या है? ये दैनिक जागरण पेपर छपता है यहाँ पे, यही यही छपता है ना। हाँ, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का जो न्यूज़पेपर होता है वो यही छपता है। ये आपके लिए हम व्यू कलेक्ट करते हुए जस्ट वाराणसी जंक्शन के आगे ही थोड़ा है। दैनिक जागरण यार पटना कितना दूर? काशी स्काइप करते हुए हम लोग काफी यहाँ पे आए फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश में तो काशी विश्वनाथ भोलेनाथ के दर्शन बिना किए जाए नहीं। आप सभी की महिमा अपरंपार। और ये काशी विश्वनाथ मंदिर आप देख सकते हैं। हम लोग पार करते हुए गंगा मैया को देखिए साक्षात आप सभी दर्शन कर लें माता गंगा के सभी दर्शन। भोले बाबा विराजमान देखिए इस भव्य नजारे को, गंगा मैया के अद्भुत नजारे को देख सकते हैं आप। और हम लोग पार कर चुके हैं गंगा मैया के और आप लोगों को हमने अभी व्यू दिखाया। बताइएगा ये मतलब सेक्शन कैसा था गंगा मैया का नज़ारा और काशी जो मंदिर था उसका जो व्यू कैसा था। और हम दोनों भाई मस्ती करते हुए जा रहे हैं अपनी यात्रा में। ट्रेन जो है मंद गति की चाल से पीटी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन इन करती हुई पीटी दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय
इन कर चुके हैं। टाटा, फिर मिलेंगे। हाँ, फिर मिलेंगे, टाटा। फाइनली जो है हमारी यात्रा समाप्त होती हुई। हमारी ट्रेन ने कोटा जंक्शन से पटना तक 1237 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा कवर कर लिया है और पूरे एक दिन एक घंटे समय लिया इस यात्रा को पूरा करने में। तो बताएं आप सभी कमेंट बॉक्स में कि हमारा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहले पहुँचे। तब तक जय हिंद, जय भारत।